हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से तहे दिल से आप लोग का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को हर बला हर मुसीबत से बचाए रखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपके फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, मतलब फ्रेंड्स आपके फिजिक्स के लघु उत्तर प्रश्न के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि मैं आपको फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन में टॉप 140 लघु उत्तर प्रश्न को बताऊँगा, मतलब टॉप 140 शॉर्ट क्वेश्चन को बताऊँगा, जिसमें मैंने दोस्तों 15 क्वेश्चन को पिछले वीडियो में देख चुका हूँ, मतलब 15 क्वेश्चन था उसके आंसर को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आप 140 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। यदि दोस्तों आपने वो सारे क्वेश्चन को तथा उसके आंसर को नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों ये शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 3 है, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक के आंसर क्वेश्चन तथा उसके आंसर को हम लोग देखने वाले हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब आप किसी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ये सारे क्वेश्चन को आप लिख कर याद कर सकते हैं। एज लाइक आप बिहार बोर्ड से हो, या आप यूपी बोर्ड से हो, या आप एमपी बोर्ड से हो, आप किसी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ये सारे क्वेश्चन को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 16 को। तो देखिए क्वेश्चन 16 कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें तथा इसके एसआई मात्रक को लिखें, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें तथा इसके एसआई मात्रक को लिखें। तो पहले देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, मतलब आपको विद्युत फ्लक्स का पहले परिभाषा देना है, उसके बाद आपको दोस्तों विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक को लिखना है। तो लिखेंगे विद्युत फ्लक्स, तो इसमें हम मतलब इसका परिभाषा हम लोग इस तरह देख सकते हैं कि किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत रेखाओं की संख्या को, किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई द्वारा सूचित करते हैं या दर्शाते हैं। विद्युत फ्लक्स में हम लोग लिखना चाहेंगे कि किसी सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को हम लोग फा ई द्वारा सूचित करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा फा ई इक्वल टू ई इंटू डी एस, जहाँ ई हुआ विद्युत रेखाओं की संख्या। तो ये हुआ क्वेश्चन 16। उसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसके एसआई मात्रक को भी लिखें। तो देखिए हम इसका एसआई मात्रक लिख सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम होता है। तो इस तरह होगा विद्युत फ्लक्स का उसका एसआई मात्रक। चलिए क्वेश्चन 17 हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 17 कह रहा है कि विद्युत विभव क्या होता है, या विद्युत विभव क्या है, इसके एसआई मात्रक को लिखे। मतलब दोस्तों आपको पहले विद्युत विभव का परिभाषा देना है, उसके बाद विद्युत विभव का क्या एसआई मात्रक है, मतलब क्या एसआई मात्रक होता है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए पहले आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विभव, तो हम लोग लिखते हैं विद्युत विभव। तो देखिए इसका परिभाषा हम लोग इस तरह दे सकते हैं कि एकांक धनावेश कहने का मतलब किसी भी एक आवेश को, यह हुआ किसी एक आवेश या एक आवेश, किसी एक आवेश को या एकांक धनावेश को अनंत से, मतलब इन्फिनिटिव से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया जाता है कार्य, उसे ही मतलब किया गया कार्य डब्लू, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। देखिए एकांक धनावेश को अनंत से, मतलब इन्फिनिटिव से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम लोग डब्ल्यू सूचित करते हैं। तो देखिए डब्ल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब किया गया कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। तो देखिए विद्युत विभव को हम लोग भी द्वारा, मतलब भी द्वारा दर्शाते हैं। तो इस तरह इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए एकांक धनावेश को हम विद्युत क्षेत्र के मतलब इन्फिनिटिव से जो ला रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए वह एकांक धनावेश इसको हम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, अनंत से ला रहे हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु में, मतलब ओ तक, मतलब देखिए एकांक धनावेश मतलब क्यू नोट को हम अनंत से किसी बिंदु, मतलब विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु, मतलब ओ तक लाने में जो किया जाता है कार्य, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी इज्कल टू डब्ल्यू बाय क्यू नोट, ये मतलब ये हुआ विद्युत विभव का मतलब सूत्र। उसके बाद आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक को लिखे। तो देखते हैं हम लोग विद्युत विभव का क्या एसआई मात्रक होता है। तो देखिए इसका मतलब जो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है वोल्ट कह ले जूल बाय कूलम या वी वाई सी, ये तीनों होता है, वोल्ट होता है या जूल बाय कूलम होता है या वी वाई सी। देखिए एक मतलब इसका एसआई मात्रक किस तरह बनता है, देखिए जो वर्क होता है मतलब कार्य, उसको हम लोग उसका एसआई मात्रक क्या होता है, उसका एसआई मात्रक होता है जूल होता है। इसको देखिए आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वह कूलम होता है, तो इस तरह हो जाता है जूल बाय कूलम। जब हम जूल बाय कूलम को मल्टी मतलब भाग देते हैं तो हमें वोल्ट प्राप्त होता है, इस तरह हो गया वोल्ट। तो इसका एसआई मात्रक हम वोल्ट कह ले या जूल बाय कूलम कह ले या वी वाई सी कह ले, ये तीनों ही होता है, मतलब विद्युत विभव का ये तीनों ही एसआई मात्रक होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 18 को, मतलब क्वेश्चन 18 को।
देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 18 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2014 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो समविभव पृष्ठ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सर, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं क्यों, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं क्यों, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर, मान लीजिए कि ये कोई एक समविभव पृष्ठ है और ये कोई दूसरा समविभव पृष्ठ है, जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। तो देखिए, तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर विभव के दो मान हो जाएंगे जो कि संभव नहीं है, यही कारण है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। दोबारा इसको हम लोग पढ़ते हैं, यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे के प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर विभव के दो मान हो जाएंगे जो कि संभव नहीं है, यही कारण है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसको हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कोई एक पहला समविभव पृष्ठ है और ये कोई दूसरा समविभव पृष्ठ है, ये जो हम प्रतिच्छेद करें उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। इस बिंदु पर हम लोग इस बिंदु पर जो होगा वह विभव के दो मान हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक मान हो जाएगा और एक यहाँ पर मान हो जाएगा, जो कि संभव नहीं होता, यही कारण है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इसका होता है क्वेश्चन 18। अब क्वेश्चन 19 देते हैं। देखिए क्वेश्चन 19 कह रहा है कि संधारित्र एवं धारिता को परिभाषित करें। तो पहले आपसे कह रहा है कि संधारित्र, तो देखते हैं संधारित्र का परिभाषा। तो इसमें लिख सकते हैं कि वैसी व्यवस्था जिसमें चालक के आकार को बढ़ाए बिना अधिक से अधिक, जितना हो सके अधिक से अधिक आवेश को संचित किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। वैसी व्यवस्था जिसमें चालक के आकार को बढ़ाए बिना हम अधिक से अधिक, मतलब जितना हो सके आवेश को संचित कर सके या किया जा सके, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। उसका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि धारिता की परिभाषा दीजिए। तो देखिए धारिता की परिभाषा हम लोग देते हैं। तो देखिए धारिता परिभाषा हम लोग इस तरह दे सकते हैं कि किसी संधारित्र के आवेश क्यों प्लेटों के बीच की दूरी, मतलब प्लेटों के बीच की विभांतर, प्लेटों के बीच की विभांतर भी के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, धारिता कहेंगे। देखिए धारिता को हम लोग सीधा दर्शाते हैं और कह रहा है कि संधारित्र के आवेश एवं उसके प्लेटों के बीच के विभांतर के अनुपात को, यह अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। मतलब सी इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाय वी। चलिए इसको दोबारा हम लोग पढ़ लेते हैं। ये पहला है संधारित्र। तो देखिए संधारित्र का परिभाषा हम लोग इस तरह दे सकते हैं कि वैसी व्यवस्था जिसमें चालक के आकार को बढ़ाए बिना हम अधिक से अधिक आवेश को संचित कर सके या किया जा सके, उसे ही हम लोग संधारित्र कहते हैं। उसके बाद धारिता की परिभाषा हम लोग इस तरह भी दे सकते हैं कि वैसी, मतलब किसी संधारित्र के आवेश क्यों एवं उसके प्लेट के बीच के विभांतर भी को अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, धारिता कहेंगे। तो इस तरह होता है क्वेश्चन 19। अब क्वेश्चन 20 बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 20 बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट और दो बार बोर्ड एग्जाम पूछा भी गया, दो बार आपके बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पराविद्युत शक्ति एवं अपेक्षित पराविद्युतांक को परिभाषित करें या परिभाषा दे। देखिए पराविद्युत शक्ति एवं अपेक्षित पराविद्युतांक को परिभाषित करें। तो देखिए पहले आपसे कह रहा है कि पराविद्युत शक्ति, तो देखते हैं पराविद्युत शक्ति का परिभाषा। तो देखिए पराविद्युत शक्ति का परिभाषा हम लोग देना चाहेंगे, किसी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसमें पराविद्युत माध्यम को आरोपित, मतलब उस पर हम आरोपित करने पर विद्युत भंजन जो हो वह नीचे की ओर हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे। देखिए मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसपे पराविद्युत माध्यम आरोपित करने पर विद्युत भंजन जो हो वह नीचे की ओर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पराविद्युत शक्ति कहेंगे। उसके बाद आपसे कह रहा है कि अपेक्षित पराविद्युतांक को परिभाषित करें। तो देखते हैं अपेक्षित पराविद्युतांक का परिभाषा, अपेक्षित पराविद्युतांक। तो लिखेंगे अपेक्षित पराविद्युतांक, तो इसमें लिख सकते हैं कि किसी माध्यम में पराविद्युतांक, मतलब एप्सिलॉन, किसी माध्यम में पराविद्युतांक एप्सिलॉन तथा निर्वात में पराविद्युतांक, मतलब एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, अपेक्षित पराविद्युतांक। देखिए अपेक्षित पराविद्युतांक को हम एप्सिलॉन आर द्वारा सूचित करते हैं। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन कहते हैं कि पराविद्युतांक को, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं कि निर्वात में पराविद्युतांक को, उसके जो अनुपात होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपेक्षित पराविद्युतांक। ये जो है ना बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए
अगले क्वेश्चन मतलब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है उसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो देखते हैं कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, इसको आप लिख के इसे अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए देखते हैं कौन कौन कारक है। देखिए पहला कारक यह है कि धारिता, मतलब सी जो होता है वह पेट के क्षेत्रफल मतलब ए के समानुपाती होता है। धारिता जो होती है वह पेट के क्षेत्रफल ए के समानुपाती होता है। और देखिए दूसरा कारक यह है, मतलब देखिए दूसरा कारक पर निर्भर करता है। देखिए दूसरा बात यह हुआ कि दूसरा कारक यह हुआ कि जो धारिता होती है मतलब जो सी होती है वो प्लेट की दूरी जो होती है मतलब डी उसके जो होता है व्युत्क्रमानुपाती मतलब व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, मतलब सी व्युत्क्रमानुपाती 1/d। यह हो गया धारिता सी पेट के बीच की दूरी डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए इसका वो सी समानुपाती 1/d। उसके बाद तीसरा है धारिता जो होती है सी व पेट की प्रकृति मतलब उसके नेचर पर निर्भर नहीं करती है। धारिता जो होती है सी व प्लेट की प्रकृति मतलब उसके नेचर पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका होता है क्वेश्चन नंबर 21। ये 21 क्वेश्चन हो गया। तो देखते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि संधारित्र का सम्मोहन क्या होता है या क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। पहले आपको फ्रेंड्स आपको देखिए दोस्तों आपको पहले संधारित्र का सम्मोहन का परिभाषा देना है। इसका देखिए संधारित्र का सम्मोहन कितने प्रकार होते हैं उसके नाम लिखना है। तो देखिए संधारित्र का सम्मोहन का परिभाषा देते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें लिख सकते हैं कि इस मतलब संधारित्र के सम्मोहन में हम लोग लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक संधारित्र को जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र का सम्मोहन कहते हैं। दो या दो से अधिक संधारित्र को जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग संधारित्र का सम्मोहन कहते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संधारित्र का सम्मोहन कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे हम लोग संधारित्र का सम्मोहन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। देखिए पहला जो होता है वह है श्रेणी क्रम सम्मोहन, दूसरा होता है समांतर क्रम सम्मोहन। ये दो प्रकार होते हैं मतलब संधारित्र के सम्मोहन के, श्रेणी क्रम सम्मोहन और समांतर क्रम सम्मोहन। तो दोस्तों इसका होता है 22 क्वेश्चन कवर। तो आप 140 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन कवर हो चुका है। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।